हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई हार्टली वेलकम यू ऑल इन माय चैनल ऑक्सी एमबीबीएस। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रीटमेंट ऑफ द मलेरिया। सो हियर वी हैव द पेशेंट, और पेशेंट आपके पास आता है और अपनी प्रॉब्लम बताता है। तो यहाँ पर अगर पेशेंट को मलेरिया होगा तो क्या बोलेगा कि डॉक्टर साहब, मुझे फीवर आता है और फीवर के साथ मुझे ठंडी लगती है। द पेशेंट इज़ फीलिंग कोल्ड, और ठंडी से बचने के लिए मुझे 2-3 ब्लैंकेट्स ओढ़कर रखनी पड़ती है ताकि मैं अपने आप को ठंडी से बचा सकूं। ठंडी लगने को बोलते हैं चिलसाना। और पेशेंट बोलता है कि जब मुझे ठंडी लगती है तो मेरे अंदर वाइब्रेशंस होना स्टार्ट हो जाते हैं। वाइब्रेशन मतलब शिवरिंग होना, और शिवरिंग को ही बोलते हैं राइगर। तो यहाँ पर पेशेंट को फीवर के साथ क्या क्या हो रहा है, चिल्स आ रहा है और राइगर हो रहा है, शिवरिंग हो रही है। अब यहाँ पर हम पेशेंट से पूछते हैं कि आपको जो फीवर आता है वो कैसा आता है। तो पेशेंट बोलता है कि जो मुझे फीवर आता है वो एकदम से अचानक से आता है, मतलब इट इज़ सडन ऑनसेट। और जो फीवर होता है वो बहुत खतरनाक होता है, एकदम शरीर जो है मेरा बहुत खतरनाक वाला गर्म हो जाता है, मतलब द पेशेंट इज़ हैविंग हाई ग्रेड टाइप ऑफ द फीवर। अब यहाँ पर हम पेशेंट्स की जो क्लिनिकल सिम्टम्स हैं उनके बेस पर प्रोबेबल डायग्नोसिस बनाने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट द फीवर। फीवर की कंप्लीट हिस्ट्री लेना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। तो फीवर कैसा है, सडन ऑनसेट है। अलॉन्ग विद द फीवर द पेशेंट इज़ फीलिंग चिल्स, अलॉन्ग विद दैट राइगर। अब यहाँ पर जो हाई ग्रेड टाइप का फीवर है उसमें बोलता है कि मेरा शरीर जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, मतलब द पेशेंट इज़ हैविंग हाई ग्रेड टाइप ऑफ द फीवर। हाई ग्रेड का मतलब क्या है, अगर डिग्री सेंटीग्रेड में बात करें तो मोर देन और इक्वल टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड, और अगर डिग्री फ़ारेनहाइट में बात करें तो इक्वल टू और मोर देन 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब पूछते हैं कि आपको जो फीवर आता है वो कब आता है। तो पेशेंट बोलता है कि डॉक्टर साहब, जो मुझे फीवर आता है वो हर तीसरे दिन पर आता है, ऑन द थर्ड डे आई फील फीवर। मतलब 2 दिन तक मैं नॉर्मल रहता हूँ और जो तीसरा दिन होता है उसमें पूरे दिन भर फीवर बना रहता है, और फिर अगेन 2 डेज आई रिमेन नॉर्मल, देन ऑन द थर्ड डे आई फील फीवर। इस टाइप के फीवर को बोलते हैं टर्शियन मलेरिया। अगर हर तीसरे दिन पे फीवर आता है तो इसको बोलते हैं टर्शियन मलेरिया। और मेनली आपको पता है कि मलेरिया किसकी वजह से होता है, मलेरिया किसकी वजह से होता है, जब हमको मॉस्किटो, जब हमको मॉस्किटो काटता है तो मॉस्किटो के अंदर जो प्लाज्मोडियम होते हैं, प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स होते हैं, वो हमारे अंदर जब काटता है तो वो प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स हमारे अंदर छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से हमें क्या होता है, मलेरिया। तो मलेरिया मेनली किसकी वजह से है, प्लाज्मोडियम की वजह से, प्लाज्मोडियम पैरासाइट की वजह से हमें मलेरिया होता है। अब प्लाज्मोडियम की जो स्पेसीज मेनली हमारे इंडिया में पाई जाती है मोस्ट कॉमनली, दैट इज प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एंड प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। एंड प्लाज्मोडियम वाइवेक्स इज वेरी वेरी कॉमन इन अवर इंडिया। सो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, दिस वी कमिंग इन द वाइवेक्स इज टेलिंग दैट आई एम वेरी कॉमन इन द इंडिया, इट इज मोस्ट कॉमन इन इंडिया। एंड अबाउट 70-80% केसेज जो मलेरिया के आते हैं वो किसके इन्फेक्शन की वजह से आते हैं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के इन्फेक्शन की वजह से। और जो बचे हुए जो पेशेंट होते हैं वो किसकी वजह से है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के इन्फेक्शन की वजह से। अब यहां पर एक बात आपको बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है, वो ये रखनी है कि प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम ने अगर इन्फेक्शन किया तो इट मे कॉज कॉम्प्लिकेट मलेरिया। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम कॉम्प्लिकेट मलेरिया करता है, इसकी वजह से प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम को बोलते हैं डेंजरस स्पेसीज। ये क्या है, प्लाज्मोडियम की डेंजरस स्पेसीज है, बिकॉज इट मे कॉज कॉम्प्लिकेशंस इन अवर बॉडी। अब प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के अंदर एक खासियत होती है कि ये हमारी बॉडी में जब जाते हैं तो हिप्नोजॉइट्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं।
हिप्नोजॉइड्स क्या होते हैं, ये लीवर में जाकर, ये वाइवेक्स के जो पैरासाइट्स हैं वो लीवर में जाकर बहुत लंबे समय तक डॉर्मेंट स्टेज में रह सकते हैं, और जब इनको चांस मिलता है, मौका मिलता है, तो ये अगेन मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं और दे मे कॉज मलेरिया अगेन। तो अगर पूछा जाए कि डॉर्मेंट स्टेज जो प्लाज्मोडियम की स्पेसिस बनाती है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं हिप्नोजॉइड्स, और हिप्नोजॉइड्स कौन बनाते हैं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की स्पेसिस। अब यहां पर जो भी प्लाज्मोडियम की स्पेसिस हैं उनको अगर आगे ग्रोथ करना है, आगे अपनी प्रोजेनी को बढ़ाना है, तो ये क्या बनाते हैं, गेमेट्स। हर एक प्लाज्मोडियम की स्पेसिस क्या बनाएगी, गेमेट्स बनाएगी, और गेमेट्स जो है वो मॉस्किटो लेकर चले जाते हैं। जब हमारा खून पीने आते हैं मॉस्किटोज, तो ये क्या करते हैं, गेमेट्स को ले जाते हैं, और गेमेट्स जो है वो मॉस्किटो के अंदर जाकर सेक्सुअल लाइफ साइकिल स्टार्ट करते हैं और दे फॉर्म स्पोरोजॉइट्स, और स्पोरोजॉइट्स जो है वो अगेन हमको इन्फेक्ट करते हैं। ठीक है, तो हर एक स्पीसीज क्या बनाती है, गेमेट्स बनाती है, और ये प्लाज्मोडियम की जो स्पीसीज होती है, जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट होते हैं, जब हमारे बॉडी में जाते हैं तो ये मल्टीप्लाई करते हैं, बहुत सारे पैरासाइट्स बनाते हैं, एंड दे कम इनटू द ब्लड स्ट्रीम। सो यहां पर वाइवेक्स के अंदर हमें हिप्नोजॉइट्स को भी मारना पड़ता है, गेमेट्स को भी मारना पड़ता है, और जो पैरासाइट्स मल्टीप्लाई करके ब्लड में आए हैं और ब्लड के अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं उनको भी मारना पड़ता है। तो वाइवेक्स के अंदर हमें मेडिसिन का डोज ज़्यादा देना पड़ता है, हमें एक एक्स्ट्रा मेडिसिन यूज़ करनी पड़ती है जो ये हिप्नोजॉइट्स को भी मारती है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो वो मेडिसिन जो हिप्नोजॉइट्स और गेमेट्स दोनों को मारेगी, दोनों को किल करेगी, उसका नाम होता है प्राइमाक्विन। तो यहां पर हम अगर प्लाज्मोडियम वाइवेक्स ने इन्फेक्शन किया है तो प्राइमाक्विन से हम हिप्नोजॉइट्स और गेमेट्स दोनों को डिस्ट्रॉय कर देंगे, लेकिन अभी भी ब्लड के अंदर जो पैरासाइट्स हैं वो अभी मरे नहीं है, उनको मारने के लिए हम क्या देते हैं, क्लोरोक्विन, उनको मारने के लिए हम क्या देते हैं, क्लोरोक्विन। तो प्राइमाक्विन क्या करती है, हिप्नोजॉइट्स और गेमेट्स को डिस्ट्रॉय करती है, और जो क्लोरोक्विन होती है वो किनको डिस्ट्रॉय करती है, वो मलेरिया के पैरासाइट्स जो कहां पर है, ब्लड के अंदर है। अब यहां पर फेल्सिपेरम के लिए देखते हैं, तो फेल्सिपेरम के अंदर हिप्नोजॉइट्स बनती ही नहीं है। ठीक है, यहां पर गेमेट्स बनते हैं और जो पैरासाइट ब्लड के अंदर डिवाइड कर रहे हैं वो रहते हैं यहां पर। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास एक मेडिसिन होती है जिसका नाम होता है आर्टिसुनेट। तो आर्टिसुनेट क्या करती है, गेमेट्स को भी डिस्ट्रॉय कर देती है, साथ में जो पैरासाइट्स ब्लड के अंदर हैं उनको भी डिस्ट्रॉय कर देगी। तो यहां पर अगर फेल्सिपेरम का इन्फेक्शन है तो एक मेडिसिन देकर ही काम चल जाएगा हमारा, यहां पर प्राइमाक्विन वगैरह देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब माय डियर फ्रेंड्स, अगर प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की स्पीसीज ने हमको इन्फेक्शन किया है तो हमें प्राइमाक्विन और क्लोरोक्विन दोनों देना पड़ेगा। प्राइमाक्विन जो है वो हिप्नोजॉइट्स और गेमेट्स दोनों को डिस्ट्रॉय करेगी, और जो पैरासाइट्स ब्लड के अंदर है उनको डिस्ट्रॉय कौन करेगी, क्लोरोक्विन। वहीं पर अगर प्लाज्मोडियम फेल्सिपेरम ने इन्फेक्शन किया है तो सिंगल आर्टिसुनेट देकर काम चल जाएगा हमारा। सो आर्टिसुनेट 100% कवर्स द इन्फेक्शन फ्रॉम द प्लाज्मोडियम फेल्सिपेरम स्पीसीज। अब गेमेट्स किसी के भी हों, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए हमारे पास दो मेडिसिन है, एक तो प्राइमाक्विन और दूसरी क्या, आर्टिसुनेट। और ब्लड के अंदर किसी भी प्लाज्मोडियम की स्पीसीज के पैरासाइट्स होंगे उनको अगर डिस्ट्रॉय करना है तो हम या तो क्लोरोक्विन यूज करें या फिर आर्टिसुनेट। सो माय डियर फ्रेंड्स, पेशेंट ने हमको क्लिनिकल सिम्टम्स बताए और उनके बेसिस पर हमने प्रोबेबल डायग्नोसिस बनाई मलेरिया। अभी यहां पर हमको कंफर्म नहीं हुआ है कि हमारे पेशेंट को मलेरिया ही है, अभी सिर्फ हमने क्लिनिकल सिम्टम्स के बेसिस पर प्रोबेबल डायग्नोसिस बनाई है, और प्रोबेबल डायग्नोसिस के बेसिस पर हम विदाउट एनी डिले ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे हमारे पेशेंट के अंदर, और साथ में कंफर्म करने के लिए
हम लेबोरेटरी टेस्ट प्रिस्क्राइब करेंगे, और जो लेबोरेटरी टेस्ट एडवाइस करते हैं उसका नाम होता है रैपिड मलेरिया टेस्ट। विद इन हाफ एन आवर द रिजल्ट ऑफ रैपिड मलेरिया टेस्ट कम्स, और आधे घंटे के अंदर हमको पता लग जाता है कि हमारे पेशेंट को मलेरिया है या नहीं, ठीक है। लेकिन अगर रैपिड मलेरिया टेस्ट या लेबोरेटरी टेस्ट कोई भी अवेलेबल नहीं है हमारे पास, तो हम सिम्टम्स के बेसिस पर विदाउट एनी डिले हम ट्रीटमेंट हमारे पेशेंट का स्टार्ट कर देंगे। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माई डियर फ्रेंड्स, कि हमको विदाउट एनी डिले हमारे पेशेंट के अंदर ट्रीटमेंट तो स्टार्ट करना ही है। अब यहाँ पर एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि रैपिड मलेरिया टेस्ट जो है वो स्पेसिस स्पेसिफिक नहीं है, मतलब यहाँ पर हमको कौन प्लाज्मोडियम की स्पेसिस ने इन्फेक्शन किया है वो ये टेस्ट नहीं बता पाता है। तो स्पेसिस स्पेसिफिक टेस्ट कौन सा होता है? तो स्पीसीज पता करने के लिए कि कौन सी स्पीसीज ने हमारे पेशेंट को इन्फेक्ट किया है वो पता करने के लिए हम पेशेंट को क्या एडवाइस करते हैं, पेरिफेरल स्मियर फॉर मलेरिया पैरासाइट। और इसमें क्या करते हैं, ब्लड सैंपल लेते हैं और ब्लड सैंपल की बनाते हैं स्लाइड्स, और उन स्लाइड्स को माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं। माइक्रोस्कोप में देखने के बाद हमको पता लगता है कि ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की स्पीसीज ने इन्फेक्शन किया है कि प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम। इस रिजल्ट को आने में लगभग 1 से 2 दिन लग जाते हैं, तो हम इस रिजल्ट का वेट नहीं कर सकते हैं। उससे पहले ही क्लिनिकल सिम्टम्स या फिर रैपिड मलेरिया टेस्ट के बेसिस पर हमको ट्रीटमेंट तो स्टार्ट करना ही है पेशेंट के अंदर। सो ऑन द बेसिस ऑफ क्लिनिकल सिम्टम्स और रैपिड मलेरिया टेस्ट वी विल हैव टू स्टार्ट द ट्रीटमेंट विदाउट एनी डिले, बिकॉज अगर हमने डिले किया तो पेशेंट कंडीशन मे बिकम सीरियस। तो यहाँ पर ट्रीटमेंट जो हम स्टार्ट करते हैं उसमें सबसे पहली मेडिसिन हम क्या देते हैं, हम पेशेंट के हाथ में पकड़ा देते हैं पर्सनल कंप्यूटर। जैसे ही पेशेंट आता है पता लगता है कि प्रोबेबल डायग्नोसिस बनाते हैं कि मलेरिया है, तो वैसे ही हम उनके हाथों में क्या देते हैं, पर्सनल कंप्यूटर। क्या दे देते हैं माई डियर फ्रेंड्स, पर्सनल कंप्यूटर। अब यहाँ पर पी सी से क्या मतलब है, पी से कौन सी ड्रग, प्राइमाक्विन, और सी से कौन सी ड्रग है, क्लोरोक्विन। तो यहाँ पर पी जो प्राइमाक्विन है उसका हम कितना डोज देते हैं, पर से याद रखना 15 mg। डोज कितना देते हैं, 15 mg का। और यहाँ पर मेडिसिन कितने दिन तक के लिए हम देते हैं प्राइमाक्विन, पी से याद रखना 15 दिन के लिए, पी से 15 mg और पी से 15 दिन के लिए। और यहाँ पर प्राइमी और प्राइमा कमिंग इन द प्राइमाक्विन इज टेलिंग दैट इट इज़ रिलेटेड टू 1 degree। 1 degree मतलब कि ओडी देना है हमको, हर दिन एक एक टेबलेट हमारे पेशेंट को खिलानी है। कितने दिन तक, 15 दिन तक, 15 days तक। हम बात करते हैं क्लोरोक्विन, क्लोरोक्विन के अंदर जो सी आ रहा है दिस इज टेलिंग यू दैट इट्स डोज इज इट्स पावर इज 600 mg, सी से 600 mg। तो 600 mg टेबलेट जो है वो हम तुरंत हमारे पेशेंट को खिला देंगे जैसे ही हमको पता लगेगा कि हमारे पेशेंट को जो है वो मलेरिया हुआ है। वैसे ही हम क्या करेंगे, 600 mg टेबलेट क्लोरोक्विन की खिला देंगे। और फिर दूसरी बार हम क्लोरोक्विन का डोज कब देंगे, आफ्टर एट आवर्स कितना डोज देंगे, इसका आधा 300 mg। फिर आफ्टर 24 आवर्स वी विल गिव 300 mg डोज, और फिर उसके बाद आफ्टर 24 आवर्स वी विल गिव 300 mg डोज। मतलब पहले दिन हमको कितनी टेबलेट्स देनी है, 2 टेबलेट, एक तो इंस्टेंटली और दूसरी 8 घंटे के बाद। सो फर्स्ट डे मैक्सिमम डोज जो हम देंगे क्लोरोक्विन का वो कितना देंगे, 600 + 300 900 mg, और सेकंड डे 300 mg, और थर्ड डे 300 mg। मतलब कि 3 दिन तक हमको क्लोरोक्विन खिलानी है हमारे पेशेंट को अगर हम मलेरिया को ट्रीट कर रहे हैं तो। अब लेट सपोज विद इन दीज 3 डेज द पेरिफेरल स्मियर फॉर द मलेरिया पैरासाइट रिपोर्ट कम्स, एंड द रिजल्ट में भी आइदर द इन्फेक्शन में भी बिकॉज ऑफ द प्लाज्मोडियम वाइवेक्स स्पीसीज और बिकॉज ऑफ द प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम स्पीसीज। अगर वाइवेक्स का इन्फेक्शन है तो हमको कुछ नहीं करना है, जो हमारा ट्रीटमेंट चल रहा था वो चलते रहने देना है 3 दिन तक, और 15 दिन तक हमको प्राइमाक्विन टेबलेट खिलाते रहना है। लेकिन अगर प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम का इन्फेक्शन है तो हमको क्या करना पड़ेगा, अब प्राइमाक्विन हम ज़्यादा दिन तक नहीं देंगे, क्योंकि प्राइमाक्विन हम क्यों दे रहे थे, ताकि वो
हिप्नोजॉइड्स को भी कवर करें और गैमेट्स को भी कवर करें। लेकिन यहाँ पर प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के अंदर हिप्नोजॉइड्स बनते ही नहीं है, तो हमको ज़्यादा दिन तक डोज देने की ज़रूरत नहीं है हमारे पेशेंट को। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जैसे ही पता लगता है कि प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम का इन्फेक्शन है, तो वैसे ही हम प्राइमाक्विन का 45 mg का सिंगल डोज दे के पेशेंट को फ्री कर देते हैं, और क्लोरोक्विन तो चल नहीं देंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर गेमिटोसाइडल एक्ट के लिए हम प्राइमाक्विन का यूज़ करते हैं, बस फॉर दी ट्रीटमेंट ऑफ दी प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। हमने हमारे पेशेंट को, जैसे ही आता है पेशेंट मलेरिया के सिम्टम्स दिखाता है या फिर रिपीट मलेरिया टेस्ट से पता लगता है, वैसे ही हमको कि हमारे पेशेंट को मलेरिया है, तो वैसे ही हम उसके हाथों में क्या पकड़ा देते हैं, पर्सनल कंप्यूटर पीसी। अब यहाँ पर पेशेंट को फिर बुलाते हैं 3 दिन के बाद और पूछते हैं कि आपको कैसा लग रहा है, या फिर 3 दिन के बीच में ही पेशेंट आ जाता है और बोलता है कि डॉक्टर साहब आपकी दवाई से मुझे आराम नहीं लगा, द पेशेंट कंडीशन इज नॉट इम्प्रूव्ड आफ्टर टेकिंग द पीसी। इसका मतलब क्या है कि हमारे पेशेंट को जो मेडिसिन हम दिए हैं पीसी, प्राइमाक्विन एंड क्लोरोक्विन, हमारे पेशेंट के अंदर ये मेडिसिन काम नहीं कर रही है, मतलब द प्लाज्मोडियम स्पीसीज इज क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट, जिसकी वजह से अभी भी ब्लड के अंदर जो पैरासाइट है वो घूम रहे हैं और अपनी ग्रोथ कर रहे हैं, जिसकी वजह से पेशेंट की कंडीशन और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। पेशेंट की कंडीशन इम्प्रूव तो नहीं होती है, और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। अब यहाँ पर पेशेंट को क्या है, क्लोरोक्विन का रेजिस्टेंट, मतलब कि यहाँ पर अब हमको क्लोरोक्विन की जगह दूसरी टेबलेट देनी पड़ेगी और मल्टीपल टेबलेट्स देनी पड़ेगी। अब यहाँ पर जब हम PSMP टेस्ट करते हैं तो हमको पता लग जाता है कि हमारे पेशेंट को वाइवेक्स ने इन्फेक्ट किया है या फैल्सीपेरम ने। लेट सपोज द वाइवेक्स हैज इन्फेक्टेड द पेशेंट, देन अगर क्लोरोक्विन का रेजिस्टेंट है, पहले तो हम पीसी देंगे और पीसी देने के बाद भी पेशेंट को आराम नहीं मिला, तो हम PSMP के थ्रू स्पीसीज का पता लगा लेंगे। अगर वाइवेक्स ने इन्फेक्शन किया है तो हम जो मेडिसिन देंगे वो देंगे पीसी क्यों दिया, कौन सी मेडिसिन देंगे माय डियर फ्रेंड्स, पीसी क्यों दिया। अब यहां पर पी से क्या है, ऑब्वियसली वाइवेक्स है तो प्राइमाक्विन तो देना ही पड़ेगा पेशेंट को, और कैसे देंगे, 15 mg का डोज 15 दिन तक और वंस इन अ डे। सी से क्या है हमारे पास, क्लिंडामाइसिन, और क्लिंडामाइसिन के अंदर ये सी है, इससे आप याद रखेंगे कि इसका कितना डोज देना है, सी मीन्स 600 mg, और डी ए कमिंग इन द क्लिंडामाइसिन इज टेलिंग यू दैट इट इज रिलेटेड टू डाई, डाई मीन्स ट्वाइज इन अ डे, डाई मीन्स नंबर 2 को बोलते हैं डाई, और ट्राई बोलते हैं नंबर 3 को, तो वहाँ से डाई से हमने लिया BD ट्वाइज इन अ डे, और सी से 6, कितने दिन तक, 6 डेज। तो क्लिंडामाइसिन का डोज कितना रखेंगे, 600 mg, कितने दिन तक देंगे, 6 डेज तक, और हर दिन कितनी टेबलेट्स खिलाएंगे हमारे पेशेंट को, 2 टेबलेट। अब यहाँ पर क्यू से क्या है, क्विनीन, अब क्लोरोक्विन की जगह हम क्या देते हैं, क्विनीन। क्लोरोक्विन का कितना डोज दे रहे थे, 600 mg, यहाँ पर भी क्विनीन का कितना डोज देते हैं, 600 mg, लेकिन यहाँ पर वहाँ पर हम क्या देते थे, वंस इन अ डे। क्लोरोक्विन कितनी दे रहे थे, वंस इन अ डे 600 mg दे रहे थे, और हर दिन कितनी दे रहे थे, OD वंस इन अ डे, लेकिन यहाँ पर हमको डोज जो है वो ज़्यादा देना पड़ेगा। तो 600 mg का डोज तो देते ही हैं, लेकिन दिन में 3 बार देते हैं हम TDS, और कितने दिन तक, 6 डेज। अब दिया से क्या है, डॉक्सीसाइक्लिन, तो हियर वी हैव द डॉक्सीसाइक्लिन। अब डॉक्सीसाइक्लिन के अंदर जो डॉक है, इट इज टेलिंग यू दैट दिस इज द डॉक्टर एंड दिस डॉक्टर इज ड्राइविंग साइकिल। And as you all know, the cycle has 2 wheels. So here this is the doctor number 1 and these 2 wheels are like this. So the dose of the doxycycline is 100 mg. And this DO is telling you that please derive
ओ डी फ्रॉम मी, ओ रिटन इन फ्रंट ऑफ द डी, सो इट इज बिकमिंग ओ डी। तो डॉक्सीसाइक्लिन हम वंस इन अ डे देंगे, और कितने दिन तक? 4-6 डेज। अब यहां पर एक बात आपको ध्यान रखनी है, या तो आप क्लिंडामाइसिन दे दो या फिर डॉक्सीसाइक्लिन, दोनों में से कोई भी एक टेबलेट आपको यूज करनी है, दोनों यूज नहीं करनी है। तो यहां पर अगर वाइवेक्स को ट्रीट करना है, उसके अंदर रेजिस्टेंस आ गया है क्लोरोक्विन के लिए वाइवेक्स स्पेसिस में, और उसको ठीक करना है, हमको ट्रीट करना है रेजिस्टेंट स्पेसिस को, तो हमको 3 टेबलेट देनी पड़ेगी। पी और क्यू तो देना ही है, प्राइमाक्विन और क्विनिन तो देना ही है। अब यहां पर आपके पास चॉइस है, या तो आप क्लिंडामाइसिन दो या फिर डॉक्सीसाइक्लिन, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। डोज भी बता दिया, कितने दिन तक देना है वो भी बता दिया है आपको, और दिन में कितनी बार देनी है, कितने टेबलेट्स देनी है वो भी मैंने आपको बता दिया है यहाँ पर। अब बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स कि अगर फेल्सिपेरम स्पीसीज ने इन्फेक्शन किया था और उसके अंदर क्लोरोक्विन का रेजिस्टेंट आ गया है, मतलब फेल्सिपेरम जो है वो अब रेजिस्टेंट हो गए हैं कि अब हम क्लोरोक्विन से तो ठीक नहीं होंगे, तो यहाँ पर हम आर्टिसोनेट कॉम्बिनेशन थेरेपी देते हैं फॉर द रेजिस्टेंट फेल्सिपेरम स्पेसिस फॉर दी क्लोरोक्विन। तो फेल्सिपेरम का अगर ट्रीटमेंट करना है तो हम क्या देंगे, आर्टिसोनेट कॉम्बिनेशन थेरेपी, मतलब आर्टिसोनेट तो हम देंगे ही, और आर्टिसोनेट के अंदर ए से आप क्या याद रखेंगे, एक नंबर, एक एक मतलब 100 mg, और टी ई कमिंग इन द आर्टिसोनेट विल टेल यू दैट कितने दिन तक देना है, फॉर ट्राई मीन्स फॉर 3 डेज, और दिन में कितनी बार देनी है, बीडी ट्वाइस इन अ डे। तो आर्टिसोनेट का कितना डोज रहेगा, 100 mg, और कितने दिन तक, 3 दिन तक, और दिन में कितनी बार टेबलेट खिलानी है हमारे पेशेंट को, ट्वाइस इन अ डे। अब यहां पर आर्टिसोनेट के साथ हम कौन सी मेडिसिन कंबाइन करेंगे, कौन सी मेडिसिन को कंबाइन करेंगे, या तो आप मेफ्लोक्विन को कर दो या फिर पायरीमेथामाइन अलोंग विद दैट सल्फाडॉक्सिम। तो अगर आर्टिसोनेट के साथ हम मेफ्लोक्विन को यूज करते हैं तो यहां पर हम जो डोज देंगे मेफ्लोक्विन का वो कितना देंगे, 500 mg। मेफ्लोक्विन के अंदर जो एफ आ रहा है, इट विल रिमाइंड यू दैट प्लीज डिराइव नंबर 5, और 5 मतलब 500 mg, और यहां पर ओ कमिंग इन द मेफ्लोक्विन विल टेल यू दैट दिन में कितनी बार देना है, ओडी दिन में एक बार खिलानी है हमारे पेशेंट को, और एम से आप क्या डिराइव करेंगे, नंबर 3। अगर एम को हम इस तरीके से घुमा दें तो ये क्या बन जाएगा, नंबर 3, मतलब कि मेफ्लोक्विन कितने दिन तक देना है, 3 दिन तक हमारे पेशेंट को देना है। तो पहला कॉम्बिनेशन हमने क्या बनाया, आर्टिसोनेट के साथ मेफ्लोक्विन का कितना डोज देना है, 500 mg का, कितने दिन तक देना है, 3 दिन तक देना है, और दिन में कितनी बार देना है हमारे पेशेंट को, वंस इन अ डे। और दूसरा कॉम्बिनेशन क्या बना रहे हैं हम, पायरीमेथामाइन का कितना डोज देंगे हम, पर कमिंग इन द पायरीमेथामाइन विल टेल यू दैट 75, पर से 75, प्राइमाक्विन कितनी थी, 15 mg, और पायरीमेथामाइन कितनी रहेगी, पायरीमेथामाइन। अब ये बड़ी टेबलेट है तो डोज भी कितना रहेगा, 15 तो रहने वाला नहीं है, तो पर से क्या रहने वाला है, 75 mg, और हम सिंगल डोज दे देते हैं पायरीमेथामाइन का। और सल्फाडॉक्सिम के अंदर जो एस आ रहा है वो कैसा दिखता है, नंबर 5 जैसा, और इसके आगे हम 1 लिख देंगे और 0 0 तो लगा नहीं है, मतलब सल्फाडॉक्सिम का हम कितना डोज देंगे, 1500 mg का डोज देंगे और सिंगल डोज देके फ्री कर देंगे पेशेंट को। तो दूसरा कॉम्बिनेशन क्या बनाया, आर्टिसोनेट के साथ हम क्या मिलाएंगे, पायरीमेथामाइन एंड सल्फाडॉक्सिम। तो माय डियर फ्रेंड्स, या तो आर्टिसोनेट के साथ मेफ्लोक्विन को यूज कर लो, या फिर आर्टिसोनेट के साथ पायरीमेथामाइन और सल्फाडॉक्सिम को यूज कर लो। सो वी हैव हियर 2 कॉम्बिनेशन फॉर द आर्टिसोनेट। अब यहां पे ऐसा नहीं करना है कि ये भी कॉम्बिनेशन यूज कर लिया और ये भी कॉम्बिनेशन यूज कर लिया, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। कितनी टेबलेट्स खिलाएंगे आप आपके पेशेंट को, आर्टिसोनेट जो है वो मोस्टली तो फेल्सिपेरम के अंदर सभी को कवर कर लेती है,
गैमेट्स और प्लाज्मोडियम के जो पैरासाइट्स है ब्लड के अंदर, उन सबको कवर कर लेती है। तो यहाँ पे एक आधी टेबलेट और साथ में मिलाकर हम दे देते हैं, बस वो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है, हमारे पेशेंट के साथ। अब एक कॉम्बिनेशन और होता है आर्टिसिनेट कॉम्बिनेशन थेरेपी में। दो कॉम्बिनेशन तो हमने देख लिए, मेफ्लोक्विन और पाइरीमेथामाइन के साथ, जो कि आर्टिसिनेट के साथ कंबाइन किए थे। अब आर्टिमीथर भी आर्टिसिनेट जैसी ही टेबलेट होती है। तो आर्टिमीथर के अंदर हम क्या ऐड कर देते हैं, क्या कंबाइन करते हैं, ल्यूमिफेंट्रिन। आर्टिमीथर के साथ क्या ऐड करना है, ल्यूमिफेंट्रिन। अब आर्टिमीथर का हम कितना डोज देते हैं, ईटी कमिंग इन द आर्टिमीथर विल टेल यू दैट, प्लीज डिराइव नंबर 80 एमजी का डोज देना है और सिंगल डोज देना है आर्टिमीथर का। आर्टिमीथर का क्या करना है, सिंगल डोज देना है आपको, क्योंकि आर्टिमीथर जो है वो मोर पावरफुल है आर्टिसिनेट की अपेक्षा। तो यहाँ पे सिंगल डोज और कम डोज से काम चल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आर्टिमीथर का हम एम से आप याद रख सकते हो मोनो, मतलब कि आर्टिमीथर का मोनो डोज देना है, सिंगल डोज देना है, और कितने एमजी का, 80 एमजी का। और आर्टिमीथर के साथ हम कंबाइन करेंगे किसको, ल्यूमिफेंट्रिन को। अब ल्यूमिफेंट्रिन जो है उसका डोज हम कितना रखेंगे, एफ कमिंग इन द ल्यूमिफेंट्रिन विल टेल यू दैट, प्लीज डिराइव नंबर 5 एंड फ्रॉम 5 इट इज 500 mg। और फेंट्रिन के अंदर ये ट्राई से आप क्या डिराइव करेंगे, फॉर 3 डेज। और दिन में कितनी बार 500 mg की टेबलेट हमारे पेशेंट को खिलानी है, ट्वाइस इन अ डे। सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस आर ऑल द आर्टिसिनेट कॉम्बिनेशन थेरेपी। अब इनमें से कोई भी आप एक कॉम्बिनेशन आपके पेशेंट के लिए यूज कर सकते हैं। तो यहाँ तक जो हमने देखा हमारे पेशेंट को, वो नॉर्मल क्लिनिकल सिम्टम्स लेकर आया था, नॉर्मल फीवर, चिल्स, राइगर, बस इसके बेस पर हमने हमारे पेशेंट को ट्रीटमेंट करना स्टार्ट कर दिया। तो फीवर, चिल्स, राइगर, ये क्या है, अनकॉम्प्लिकेटेड मलेरिया। लेकिन अब क्या हो गया है, अगर पेशेंट का ट्रीटमेंट सही तरीके से नहीं किया, या पेशेंट हमारे पास लेट आता है और सीवियरिटी में चला जाता है, तो सीवियरिटी की वजह से क्या होता है, कॉम्प्लिकेशंस आना स्टार्ट हो जाते हैं पेशेंट की बॉडी के अंदर। और मोस्टली कॉम्प्लिकेशंस किसकी वजह से आते हैं, आप सभी को पता है कि डेंजरस स्पीसीज कौन सी है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। तो जो भी कॉम्प्लिकेशंस आएंगे वो किसकी वजह से आएंगे, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम की वजह से मोस्ट ऑफ द टाइम। क्योंकि ये जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम होते हैं ये बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करते हैं और बहुत ज़्यादा नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं। एक प्लाज्मोडियम जब हमारी बॉडी को इन्फेक्ट करता है तो लाखों करोड़ों प्लाज्मोडियम बना लेते हैं ये, और वो हमारे ब्लड के अंदर जाकर ब्लड को कैप्चर कर लेते हैं। तो ब्लड के अंदर जो भी न्यूट्रिशन होता है वो सब ये पैरासाइट जो है वो खा जाते हैं। तो यहाँ पर जो कॉम्प्लिकेशंस आते हैं वो मोस्टली किसकी वजह से आते हैं, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम स्पीसीज के इन्फेक्शन की वजह से। तो यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन कब बोलेंगे कि हमारे पेशेंट को कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया हो गया है, जब पैरासाइट्स का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ब्लड के अंदर, जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ब्लड के अंदर। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज दी हाइपर पैरासाइटेमिया। पैरासाइट्स का लेवल ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से हाइपर पैरासाइटेमिया की वजह से सीवियर इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस होती हैं, जिसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी ज़्यादा हो जाता है। दिस इज़ कॉल्ड एज दी हाइपर पायरेक्सिया। अगर हाइपर पायरेक्सिया आपको देखने को मिलता है, देन दिस इज टेलिंग दैट द पेशेंट इज इन द कॉम्प्लिकेटेड स्टेज। अब यहाँ पर सीवियर इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस की वजह से जो ब्लड वेसल्स हैं वो क्या हो जाती है, परमिएबल हो जाती है, हाईली परमिएबल हो जाती है। इनकी परमिएबिलिटी जो होती है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से प्लाज्मा जो है वो लीक होने लग जाता है। अब पैरासाइट्स का लेवल ब्लड के अंदर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, वो हमारे सारे न्यूट्रिशंस को खा जाते हैं, जो भी ग्लूकोज होता है वो सबको खा जाते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को क्या हो जाता है, हाइपोग्लाइसीमिया। अब प्लाज्मा लीकेज की वजह से और हमारे ब्लड के अंदर जो है वो पैरासाइट्स ने कब्जा कर लिया है, कैप्चर कर लिया है हमारे ब्लड को, जिसकी वजह से क्या होता है, फ्लूड इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस लीकेज की वजह से, और हमारे ब्लड के अंदर हमारे ब्लड को कैप्चर करने की वजह से फ्लूड इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस हो जाता है। तो हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपर पायरेक्सिया,
फ्लूड इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस अगर हमको देखने को मिलता है हमारे पेशेंट के अंदर, ब्लड रिपोर्ट में फ्लूड इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस दिखता है, सोडियम पोटेशियम इनका लेवल हमको कम ज़्यादा अगर ब्लड के अंदर देखने को मिलता है, मतलब द फ्लूड इलेक्ट्रोलाइट्स आर इम्बेलेंसिंग। आरबीसी की क्या करते हैं, हीमोलाइसिस। तो हीमोलाइसिस जब होगी तो ये हीमोग्लोबिन जो है वो ब्लड के अंदर आ जाता है और ब्लड जो है वो हमारी किडनी फिल्टर करती है। अब जब हीमोग्लोबिन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा ब्लड के अंदर तो क्या होगा, ये किडनी जो है हमारी वो प्रॉपर ब्लड को फिल्टर नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पे हीमोग्लोबिन भी यूरिन के अंदर पास होने लग जाता है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज दी हीमोग्लोबिन यूरिया। अब यहाँ पे जब आरबीसीज की डेथ होती है तो आरबीसीज के अंदर होते हैं क्या, एच प्लस आयन। तो एच प्लस आयन भी ब्लड के अंदर आना स्टार्ट हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा लेवल इनका बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाती है पेशेंट को, एसिडोसिस। तो या तो हाइपरपाइरेक्सिया हमको देखने को मिले या फिर हाइपोग्लाइसेमिया या फ्लूड इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस या फिर एसिडोसिस। अगर ये कुछ भी हमको देखने को मिलता है तो हम बोलेंगे कि हमारा पेशेंट जो है वो कॉम्प्लिकेट कंडीशन में है। अब हमारे पेशेंट के ब्रेन को सफिशेंट न्यूट्रिशन नहीं मिल पाते हैं जिसकी वजह से पेशेंट को सीजर्स आना स्टार्ट हो जाता है और पेशेंट अनकॉन्शियस भी हो सकता है। सो इफ द पेशेंट इज हैविंग सीजर्स और द पेशेंट बिकम्स अनकॉन्शियस देन दिस इज कॉल्ड एज दी सेरिब्रल मलेरिया। तो सेरिब्रल मलेरिया की वजह से पेशेंट को सीजर्स और पेशेंट अनकॉन्शियस भी हो सकता है। एक्सेसिव प्लाज्मा लीकेज की वजह से जो ब्लड वेसल्स हैं वो क्या हो सकती है, कोलेप्स हो सकती है और हार्ट भी कोलेप्स हो सकता है। द वेस्कुलर कोलेप्स मे बी सीन इन द कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया केस। अब जब पैरासाइट्स का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ब्लड के अंदर तो ये क्या करते हैं, सीवियर हीमोलाइसिस। हीमोलाइसिस मतलब कि आरबीसीज की लाइसिस, आरबीसीज की डेथ। और आरबीसीज जो मरती है वो कहाँ पर मरती है, स्प्लीन के अंदर और लीवर के अंदर। तो यहाँ पर एक्सेसिव हीमोलाइसिस की वजह से जो कहाँ पर हो रही है, स्प्लीन एंड लीवर में, तो इसकी वजह से क्या होता है, स्प्लेनोमेगेली एंड हेपेटोमेगेली, जिसकी वजह से जब हम LFT करते हैं लीवर फंक्शन टेस्ट तो AST एंड LT का लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये क्या है, लीवर के एंजाइम्स एस्पार्टेट ट्रांस अमीनेज और एलेनिन ट्रांस अमीनेज, इनका लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। हीमोलाइसिस किसकी हो रही है, आरबीसीज की। आरबीसी के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन है, जब आरबीसी की लाइसिस होगी तो आरबीसी मरेंगी तो हीमोग्लोबिन जो है वो कहाँ पर आ जाएगा, ब्लड के अंदर। और जब इसका लेवल, हीमोग्लोबिन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो किडनी क्या फिल्टर कर पाएंगी इनको, नहीं कर पाएंगी, जिसकी वजह से किडनी जो है वो इनको भी पास करना स्टार्ट कर देती, इनको फिल्टर नहीं कर पाती, इनको डायरेक्ट यूरिन में पास कर देती, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन यूरिया भी हो सकता है पेशेंट को। अगर कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया है तो उसमें पेशेंट को हीमोग्लोबिन यूरिया भी हो सकता है। तो यहाँ पर अगर कोई भी एक कंडीशन इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस, इतने सारे प्रॉब्लम्स कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया केस में हमने देखी, इसमें से अगर कोई भी एक कंडीशन भी हमारा पेशेंट लेकर आता है तो हम पेशेंट को ट्रीटमेंट करना स्टार्ट कर देंगे एज अ कॉम्प्लिकेटेड केस, एज अ कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया। तो कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया का केस अगर हमारे पास आता है तो इमीडिएट हमको ट्रीटमेंट स्टार्ट करना पड़ेगा। और वो टेबलेट्स, वो मेडिसिंस, यहाँ पर टेबलेट नहीं देते हैं शुरुआत में, हम क्या देते हैं, डायरेक्ट IV या इंट्रामस्कुलर रूट के थ्रू हम एंटी मलेरियल ड्रग्स देते हैं। और वो एंटी मलेरियल ड्रग्स देते हैं जो बहुत रैपिड एक्शन करती है, बहुत ही ज़्यादा फास्ट एक्टिंग करती है, वेरी फास्ट एक्टिंग एंटी मलेरियल ड्रग देते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास दो मेडिसिंस हैं जो कॉम्प्लिकेट मलेरिया केस को ट्रीट करती हैं। सबसे पहली तो है आर्टिसुनेट और दूसरी क्या है, आर्टिमीथर। ये वेरी फास्ट एक्टिंग एंटी मलेरियल ड्रग्स हैं जो तुरंत काम करना स्टार्ट कर देती है पेशेंट के अंदर और तुरंत जो है वो पैरासाइट्स का लेवल कम कर देती है। तो आर्टिसुनेट, या तो आर्टिसुनेट यूज़ करो या फिर आर्टिमीथर, ठीक है, या तो आर्टिसुनेट या आर्टिमीथर। आर्टिसुनेट जो देते हैं वो IV रूट के थ्रू देते हैं और आर्टिमीथर जो देते हैं वो
मीथर कमिंग इन द आर्टीमीथर विल टेल यू दैट आर्टीमीथर कैसे देते हैं, इंट्रामस्कुलर रूट के थ्रू। तो जैसे ही पेशेंट आता है पता लगता है कि कॉम्प्लिकेट मलेरिया है हमारे पेशेंट को, तो वैसे ही हम या तो आर्टिसनेट या आर्टीमीथर स्टार्ट कर देते हैं। आर्टिसनेट इंस्टेंटली हम देते हैं, कितना डोज देते हैं 150 mg, और फिर उसके बाद सेकंड डोज हम कब देते हैं आफ्टर 12 आवर्स, और डोज कितना रखते हैं 150 mg सेम डोज, और फिर अगेन 12 आवर्स के बाद हम 150 mg दे देते हैं। तो फर्स्ट डे टोटल डोज हम कितना देंगे 150 + 150 + 150, टोटल कितना हो जाएगा 450 mg। तो फर्स्ट डे हम आर्टिसनेट का कितना डोज देंगे 450 mg, और सेकंड डे से सेवंथ डे तक हम वंस इन अ डे देंगे ओनली 150 mg। डेली कितना डोज देंगे 150 mg का डोज देंगे, कितने दिन तक, सेकंड डे से लेके सेवंथ डे तक हम कितना डोज देंगे 150 mg पर डे, और फिर एट्थ से लेकर टेंथ डे तक मतलब 3 दिन तक हम हमारे पेशेंट को आर्टिसनेट कॉम्बिनेशन थेरेपी पर ले आएंगे। अब यहाँ पर हम ओरल रूट के थ्रू हमारे पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं। तो स्टार्टिंग के 7 दिन तक हम हमारे पेशेंट को पेरेंट्रल रूट पे रखते हैं, मतलब आइदर आईवी और इंट्रामस्कुलर। तो स्टार्टिंग के 7 दिन तक हम आईवी रूट के थ्रू आर्टिसनेट देते हैं हमारे पेशेंट को। फर्स्ट डे 450 mg का डोज देते हैं, उसमें से इंस्टेंटली हम दे देते हैं 150 mg, और फिर 12 आवर्स के बाद, और फिर 12 आवर्स के बाद, ठीक है, और फिर सेकंड डे से सेवंथ डे तक हम वंस इन अ डे 150 mg देते हैं, और एट्थ से लेके टेंथ डे तक आर्टिसनेट कॉम्बिनेशन थेरेपी स्टार्ट कर देते हैं। और ये कैसे देते हैं, ओरल रूट के थ्रू, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर हमको पेशेंट को आर्टीमीथर देना है तो आर्टीमीथर आपको पता है कैसे देंगे हम, इंट्रामस्कुलर रूट के थ्रू और इंस्टेंटली, और फर्स्ट डे कितना डोज रखेंगे 200 mg का डोज रखेंगे। सेकंड डे से लेके सेवंथ डे तक हम कितना डोज देंगे, इसका हाफ 100 mg इंट्रामस्कुलर वंस इन अ डे इंस्टेंटली, या फर्स्ट डे हमने कितना डोज दिया 200 mg का डोज दिया, फिर सेकंड डे से सेवंथ डे तक हम कितना डोज देंगे 100 mg का डेली वंस इन अ डे, और फिर एट्थ से लेके टेंथ डे तक हम क्या करेंगे, पेशेंट को आर्टिसनेट कॉम्बिनेशन थेरेपी देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप आपके कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया केस को ट्रीट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ द मलेरिया। आई होप यू हैव एंजॉयड द वीडियो। इफ यू रियली गेट समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो देन प्लीज शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल टू योर नीडी फ्रेंड्स। एंड इन द लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।